वेलकम बैक टू माय इन्फो चैनल दोस्तों, मैं हूं विजय और आज हम बात करेंगे फिर से ट्रोन के बारे में। दोस्तों ट्रोन मेरा बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ता है। जब से मैंने ये वीडियो बनाई है ट्रोन की, जब मैंने ट्रोन बेच दिया था और उसके बाद मैंने जो वीडियो बनाई ट्रोन को लेकर कि मैंने ट्रोन क्यों बेच दिया, उसके रीजंस मैंने वीडियो में दे दिए थे। अगर आपने वो वीडियो दोबारा से जाकर देखनी है तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों उस वीडियो पर आज तक मेरे पास मैसेजेस आते रहते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है ट्रोन को बेचकर। बहुत से ऐसे डाई हार्ड फैन हैं ट्रोन के जो मुझे मैसेज करते रहते हैं और वो यही बोलते हैं कि मैंने ट्रोन को बेचकर बहुत बड़ी गलती करी और बहुत बड़ा नुकसान मुझे हुआ है और ट्रोन का जो प्राइस है वो बहुत ऊपर चढ़ेगा, बहुत ऊपर जाएगा। तो इस तरह के मैसेजेस आते रहते हैं कि भी ट्रोन को मैंने बेच के बहुत बड़ी गलती करी। बेसिकली मेन चीज़ तो ये है। आज भी बहुत से जो ट्रोन के फ़ैन हैं, जो कहीं ऐसे होते हैं जो मेरे को बेवकूफ़ बोलते हैं, गालियाँ भी देते हैं उसके ऊपर, तो खैर मैं उनको तो इग्नोर कर देता हूँ। ऐसे लोगों से के मैसेज का जवाब देने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों अब ट्रोन को बेचने के बाद मुझे क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, ये मैं आपके सामने आज रखूँगा कि ट्रोन बेसिकली जो मैंने उसके बाद बेचे थे उसके बाद मैंने क्या किया। दोस्तों ट्रोन जिस टाइम पे मैंने बेचा था, मार्केट का हाल तो आपको पता है उस टाइम पे बहुत ही बुरा था मार्केट का हाल। उसके बाद जैसे ही मैंने ट्रोन बेचा तो एक डेढ़ दो हफ्ते बाद थोड़ा सा बुल रन आया, बिटकॉइन का प्राइस भी 10,000 से ऊपर चला गया और जो ट्रोन का प्राइस है वो भी थोड़ा बहुत ऊपर चला गया था, लेकिन फिर वो नीचे आ गया उसके बाद। तो उस दौरान क्या हुआ दोस्तों, उस टाइम पे काफ़ी लोग हैं जिन्होंने मुझे गालियाँ दी थी क्योंकि मेरी वजह से उन्होंने ट्रोन बेच दिया। जबकि मैंने कहा भी नहीं था ट्रोन बेच दीजिए, लेकिन मेरे कहने पर मैंने नहीं कहा था उनको बेचने के लिए। बेसिकली एक चीज़ कह रहा हूँ मैं कि मेरी वीडियो देखने के बाद उन्होंने ट्रोन बेच दिया और मुझे गालियाँ देने लगे कि मेरी वजह से उनका नुकसान हो गया था। तो दोस्तों पहली बात तो है कि मैंने कभी किसी को कहा ही नहीं था कि ट्रोन बेचो, ये तो मैंने फिर उसके बाद मैंने दूसरी वीडियो बना के क्लियर कर दिया था। लेकिन अब क्या हुआ है दोस्तों, ये जो बुल रन आया है, अब इस बुल रन के दौरान ट्रोन के प्राइस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन कोई भी अब ये नहीं बोल रहा है कि भाई मेरी वजह से उनका पैसा नहीं बना है या मेरे कहने से उन्होंने जो ट्रोन बेचे थे उसके बाद उनका फ़ायदा हो गया है। तो अब कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन मैसेजेस जो आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि मैंने ट्रोन बेचकर गलती करी। उनको अभी भी उम्मीद है कि ट्रोन का प्राइस बहुत ऊपर जाएगा। चलिए जाएगा, बहुत बढ़िया, मुझे नहीं पता जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं है ट्रोन से। तो दोस्तों मैंने जब ट्रोन बेच दिया था उसके बाद मैंने अपने जब सारे जितने भी कॉइन्स थे उनको कन्वर्ट करके USDT में रखे थे और उसके बाद मैंने कोई ट्रेडिंग नहीं की, किसी भी कॉइन में मैंने कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं किया। लेकिन जब ये 2-3 महीने पहले, ये 2 महीने पहले जो ये बुल रन स्टार्ट हुआ है, जब बिटकॉइन का प्राइस जब 20,000 से ऊपर जा चुका है, तो इस बुल रन से जस्ट पहले मैंने बिटकॉइन में पैसे डाले थे। मुझे लग रहा था कि भाई बिटकॉइन ऊपर जाएगा क्योंकि पेपाल की जो है वो न्यूज़ आई थी। तो दोस्तों मैंने बिटकॉइन में पैसे डाले और साथ में मुझे लगा कि XRP भी हो सकता है वो ऊपर जाए। तो XRP का रेट भी काफ़ी टाइम से नीचे चल रहा था, तो XRP के अंदर मैंने पैसे डाले और हुआ क्या, XRP ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो गया। बिटकॉइन तो जा ही रहा था, बिटकॉइन धीरे धीरे ऊपर चढ़ना स्टार्ट हुआ तो XRP का प्राइस भी ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। और अब आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस कहाँ स्टैंड कर रहा है, तकरीबन $19,000 के आसपास घूम रहा है और XRP का प्राइस भी तकरीबन 61 सेंट्स के आसपास चल रहा है। तो दोस्तों इसमें मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो गया। ट्रोन बेचने के बाद मुझे ये बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट XRP में हुआ क्योंकि XRP जो मैंने ख़रीदा था वो तकरीबन 0.27 सेंट पे ख़रीदा था और अब इसका रेट 61 सेंट पे चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना गुना प्रॉफिट हुआ है मुझे। और उसके बाद जो बिटकॉइन ख़रीदा, बिटकॉइन भी मैंने तकरीबन ख़रीदा था उस टाइम पे 11-12 हज़ार के आसपास चल रहा था, 19,000 के आसपास चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ट्रोन बेचने का मुझे कितना फ़ायदा हुआ है, ये आपके सामने है। अब दोस्तों अब आते हैं ट्रोन पे दोबारा से कि ट्रोन जो मैंने बेचा था उस टाइम पे प्राइस क्या था और अब क्या है। दोस्तों ट्रोन जिस टाइम पे बेचा था वो प्राइस आज भी वही है, उसका घूम के जो थोड़ा ऊपर गया था उसके बाद नीचे आया तो वही प्राइस आ गया। अगर मैं यहाँ पर अब चेक करूँ ट्रोन का प्राइस, तो ट्रोन का प्राइस इस टाइम पे 0.031 चल रहा है। अब जो ये बुल रन स्टार्ट हुआ था जो दो एक महीने पहले, जो बिटकॉइन का प्राइस उस टाइम पे 10,000-11,000 के आसपास चल रहा था लेकिन अब 19-20 हज़ार के ऊपर चल रहा है, उस टाइम पे ट्रोन का प्राइस भी 2.2 तो नहीं कहूँगा, तकरीबन 0.026 163 ऐसे चल रहा था। उसके बाद से लेके अब तक जो ट्रॉन के प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ है, अब जो ट्रॉन का प्राइस है वो 0.031 चल रहा है। 0.026 से लेके 0.031 पर पहुंचा है। ट्रॉन के प्राइस में 1 सेंट की भी इंक्रीमेंट नहीं हुई है, 0.01 सेंट की भी इंक्रीमेंट नहीं हुई है ट्रॉन के अंदर इस बुल रन के दौरान। मैं मानता हूं कि इंडियन रुपीस में अगर आप देखेंगे तो आपको 1 रुपए का 2 रुपए होता हुआ नजर आ जाएगा, लेकिन शायद वो भी नहीं हुआ इस बुल रन के दौरान। इंडियन रुपीस में अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो ये पैसे ज़्यादा लगते हैं कि हाँ इंडियन रुपीस में कन्वर्ट हुआ है, क्योंकि अगर आप जैसे इंडिया में लोगों ने इंडियन रुपीस के अंदर इसके अंदर इन्वेस्ट किया होगा तो जैसे 10,000 कर लिए तो 10,000 बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन मैं डॉलर्स के अंदर करता हूँ तो मेरे लिए ये इंक्रीमेंट कुछ भी नहीं है। अगर ट्रॉन का प्राइस 0.03 से 0.04 भी चला जाता है तो मुझे इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा डॉलर के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर इंडियन रुपीज़ में मैं करता हूं तो मुझे लगेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, 1 रुपये से 2 रुपये हो गया, मैंने 10,000 लगाए थे तो 10,000 के मुझे 20,000 हो गए हैं, तो ये थोड़ा बहुत लगेगा। लेकिन अगर आप वैल्यू के हिसाब से देखें, डॉलर और इंडिया की वैल्यू के हिसाब इंडियन रुपीज़ की वैल्यूज़ के हिसाब से देखें तो डॉलर के मुकाबले इसका जो इंक्रीमेंट है वो कुछ भी नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लगता है हज़ारों डॉलर डालने पड़ेंगे तब जाके मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा ट्रॉन में। लेकिन इंडियन रुपीज़ में थोड़ा बहुत अगर जो इंक्रीमेंट होता है तो लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो चुका है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि ट्रॉन का प्राइस जो है वो 100 रुपये या 200 रुपये जो भी लोग सोच रहे हैं उस पर चला जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है। तो दोस्तों अब मैं क्या कहना चाहता हूँ इस वीडियो के उससे कि मैं यही बताना चाहता था कि जो अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इमोशनल होके इन्वेस्ट मत करिए, इमोशनली अटैच मत होइए किसी कॉइन के साथ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रॉन अगर आपके पास है तो बेच दीजिए या कुछ भी आपने करना, वो आपकी मर्जी है। कहने का मतलब ये है कि आप अगर इमोशनल होकर ट्रेडिंग करेंगे तो आप कभी प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि ये एक तरह से गैम्बलिंग वाला सिस्टम आ जाता है अगर आप इमोशनल होकर करते हैं कि मेरा पैसा डूब गया है और मुझे ये पैसा वापस चाहिए। मान लीजिए अगर आज आपने ट्रॉन के अंदर पैसा डाला और ट्रॉन का प्राइस इस टाइम पे 0.03 चल रहा है और मान लीजिए कल को ट्रॉन का प्राइस 0.02 हो जाता है, मान लीजिए अगर मैं इंडियन रुपीज़ के अकॉर्डिंग बोलूँ कि आपने 2 रुपये में ख़रीदा और उसका प्राइस 1 रुपये 50 पैसे रह गया, अब आप उसके अंदर लगा के रखें, अगर अब आप वेट करेंगे कि वो 2 रुपये पर जाए, जब वह 2 रुपये पर पहुंच जाएगा तो आप उस पैसे को निकालेंगे नहीं, आप सोचेंगे कि अब ये 3 रुपये पर चला जाएगा तभी निकालूंगा। अब वापस वो दोबारा से नीचे गिर जाए तो आपका जो रिकवर पैसा था वो भी गया, प्लस आपके पास चांस था कि आप वहाँ से पैसा निकाल के किसी दूसरे कॉइन में लगाइए और वहाँ से प्रॉफिट कमाइए। लेकिन बिकॉज आप इमोशनल हो चुके थे अपने पैसे को लेकर तो आपके दोनों तरफ से आप फंस गए। अब यहीं पर आकर सारी बातें फंस जाती है। अब यही मेरे साथ हुआ था, जब मैंने ट्रॉन खरीदा था 0.07 सेंट्स में खरीदा था 2018 में और 0.02 पर बेचा था 2020 में, जो अभी मैंने 3-4 महीने पहले बेचा है। तो आप देख सकते हैं मेरे को कितना लॉस हुआ उस दौरान। 0.07 सेंट पे खरीदा था और 0.02 सेंट पर बेचा था मैंने, तो मुझे 5 सेंट का सीधा सीधा नुकसान हुआ था। तो अब आप सोच कर देखिए कि मैंने वहाँ से अगर मैं यही सोचकर अब भी बैठा रहता और इस बुल रन के दौरान मैं मिस आउट कर जाता आज भी वो अपॉर्चुनिटी जो मुझे दूसरे कॉइन में मिली है। क्योंकि अगर मैं ये सोच के बैठता कि ट्रॉन का प्राइस 0.02 है, नहीं इसका प्राइस बढ़ेगा, बुल रन आ गया अब भी बढ़ेगा, लेकिन वो नहीं बढ़ा। आपके सामने है कितना इंक्रीमेंट हुआ, आपके सामने पिछले 2 महीने से बुल रन चल रहा है, कुछ भी इंक्रीमेंट ट्रॉन के प्राइस में नहीं हुआ है। तो दोस्तों जब मैंने जो 0.02 सेंट्स के अकॉर्डिंग मैंने बेच कर अब दूसरे कॉइन में लगाए तो वहाँ से मेरी रिकवरी हो गई। तो दोस्तों इस तरह से ये क्रिप्टो करेंसीज की मार्केट में आप मैं ये कहूँगा कि आपको करना चाहिए, आपके ऊपर है। मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से मैं देखता हूँ आज के टाइम में। मैंने अपना लेसन लर्न कर लिया है कि कैसे क्रिप्टो करेंसीज के अंदर थोड़ा डील किया जाए। अगर आपको लॉस हो रहा है तो निकाल लीजिए और प्रॉफिट का चांसेस देखिए दूसरे कॉइन्स में। एक स्मार्ट ट्रेडर वही है दोस्तों जो सही टाइम पर सही प्रॉफिट बाहर निकाल ले। अगर आप इमोशनल होकर रखेंगे कि नहीं मुझे एक दिन प्रॉफिट होगा, लेकिन वो दिन ना तो मुझे पता है ना आपको पता है, किसी को भी नहीं पता है, ना मार्केट को पता है। कि अगर कोई आपको ये कह रहा है कि ओ इस कॉइन के अंदर आप इन्वेस्ट कर लीजिए और आपको करोड़ों रुपया आपका बन जाएगा, करोड़पति बन जाएंगे, दोस्तों अगर फ्यूचर का किसी को पता होता तो वो बंदा जो आपको ये चीज़ें बता रहा है कि आप करोड़पति बन जाओगे, वो ये स्कीम आपको क्यों बताएगा? सबसे बड़ी बात तो ये है, वो खुद ही इन्वेस्ट करके करोड़पति नहीं बन जाएगा। सोचने वाली बात है ना, ये बहुत ही माइंड गेम है एक तरह से, क्योंकि लोग तो पता नहीं कैसे पता नहीं मुझे क्यों लोग ऐसी गेम खेलते हैं। लेकिन वैसे मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे अब बहुत से लोगों के ट्रोन में मुझे पता है पैसे फंसे हुए हैं, उनको 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 पता है कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन वो इसी उम्मीद में बैठे हैं कि ट्रोन का प्राइस ऊपर जाएगा, एक दिन ऊपर जाएगा। मैं अब ट्रोन यूज़ करूँगा सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या डेली ट्रेडिंग के लिए यूज़ करूँगा अगर मैं करना चाहूँ। लेकिन वो गलती मैं नहीं करूँगा जैसे 2018 में ख़रीदा और 2020 में मैंने इतने लॉस पर इसको बेच दिया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कई बार क्या होता है कि लॉस इतना ज़्यादा आगे तक चला जाता है कि उसकी रिकवरी करना मुश्किल हो जाता है। तो यही मैं आपको कह रहा हूँ कि जब भी आपको अपॉर्चुनिटी लगे कि अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ से लॉस रिकवर होगा, जितना पैसा आपके रह गया उसे एटलीस्ट निकाल के दूसरी जगह इन्वेस्ट करिए ताकि वहाँ से रिकवरी हो सके। जहाँ पर दूसरी जगह अगर अपॉर्चुनिटी बनती है आपके प्रॉफिट गेन करने की, तो वहाँ पर आप इन्वेस्ट करिए। अब भी मैं आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ये आप कंप्लीटली आपके ऊपर है। हर किसी का अपना तरीका होता है ट्रेडिंग करने का, इन्वेस्टमेंट करने का, हर किसी का अपना माइंड है, सोचने और समझने की अपनी पावर है। तो आप उसी के हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो सीखा है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कोई मैं आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। और मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जब मैंने ट्रोन बेचकर जो मुझे प्रॉफिट हुआ वो यही हुआ कि मैंने दूसरे अपॉर्चुनिटी में को ग्रैब किया और उसके बाद वहाँ से मुझे प्रॉफिट हो गया। तो दोस्तों अभी तक मेरा प्रॉफिट चल रहा है। जो XRP मैंने लिया था, XRP अभी भी 61 सेंट्स के ऊपर आसपास चल रहा है। मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी नीचे जाने वाला है। पिछले ऊपर नीचे हो रहा है 61 से 65 के बीच में, और बिटकॉइन भी अच्छा खासा चल रहा है। तो अभी तो फ़िलहाल मार्केट सही लग रही है और मेरा पैसा अभी भी इसी के अंदर है। तो उम्मीद है कि ये जो है प्रॉफिट बढ़ेगा और फ्यूचर में 20,000 का, अगर जो एक बार बिटकॉइन का प्राइस 20,000 क्रॉस कर जाए, एक बारी 20,000 क्रॉस कर जाए और स्टेबल रहे 20,000 की उसकी जो सपोर्ट लेवल बन जाए, तो उसके बाद बिटकॉइन को रोक पाना मुश्किल होगा कि वो उसका प्राइस कहाँ जाके रुकेगा। और उसी से सारे जितने भी कॉइन्स हैं वो भी ऊपर जाएंगे। ट्रॉन का जाएगा मुझे नहीं पता है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन दोबारा से ट्रोन को लेकर। तो अगर आप दोबारा से कमेंट करना चाहते हैं मेरी उस वीडियो पर कि मैंने गलती करी है, तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा कि मुझे प्रॉफिट भी हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, थम्स अप दे दीजिए इसको, और जो बेल आइकॉन है, बेल आइकॉन तो नहीं कहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों अगली बार मिलूंगा किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।